सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई अभी ना मेरे साथ एक मस्त चीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, 1003 सब्सक्राइबर अभी हो गए थे मेरे, ठीक है। फिर कुछ देर बाद ना अपने आप वो पता नहीं कैसे 985 हो जाता है, मतलब 18 जो है सब्सक्राइबर अचानक से ऐसे घट जाता है। और भाई मुझे गंदा वाला शौक लगा यार, क्या बताऊँ मैं। बाहर से तो मेरे को हंसी आ रही है, बट अंदर ही अंदर मैं ना एकदम से रो पड़ा था। भाई क्या है, यूट्यूब वालों को 2 पल के भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे ये कोई ग्लिच है, ठीक है, किसी ने अनसब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, ये कोई ग्लिच है, ठीक है। वैसे गाइज, आप लोग में से ना कुछ ऐसे बंदे हैं जो मुझे 4-4, 5-5 अकाउंट से कभी कभी सब्सक्राइब कर लेते हैं थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए। तो भाई ऐसा यार, जो कर लिया है कोई बात नहीं, बट आगे से कोई ऐसा मत करो, क्योंकि इससे ना आपको जिस चैनल से वीडियो देखना है उसी चैनल से सब्सक्राइब करो, इससे ना बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट होता है। तो उसी वही सब चीजों से ना ऐसा ग्लिच होता है जो अभी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मत करो यार। बाय द वे थैंक यू सो मच यार, इतना ज्यादा लव एंड सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। ग्लिच अभी कुछ दिन में सही भी हो जाएगा। और आप लोग ऐसा मत करना कि अभी भाई जो 4-4, 5-5 आईडी से सब्सक्राइब किए हो जाके अनसब्सक्राइब कर दो। नहीं यार, अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है। जितने पे सब्सक्राइब किए हो उसको सब्सक्राइब रहने दो, बट आगे चल के ऐसा आप ध्यान दो कि जिस अकाउंट से आपको वीडियो देखना है उसी से सब्सक्राइब करो, ओके। तो भाई यहाँ पे मैं 2 महीने से कंटिन्यू, मतलब कि मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने वीडियोज नहीं डाला, ठीक है। और मैं डेली 2 वीडियोज डालता हूँ। आप जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता चला होगा कि भाई मैं कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़, आप लोग, बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे वीडियो के बारे में, ठीक है। ये सब तो होता रहता है, और एक बार फिर से भाई दिल से आप सभी को धन्यवाद। बात करते हैं हमारे गेम प्ले के बारे में। देखो यहाँ पे मैं इवेंट पे तो मर जाता हूँ। अब कई बंदे क्या करेंगे कि भाई जब एक बार मर जाते हैं और 0 किल पे मैं मर गया, ठीक है, तो 0 किल पे मरने के बाद बंदे सोचते हैं भाई फिर से इवेंट पे जाएं, या तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपको ढेर सारे किल्स मिल जाएं, तो बंदे ऐसा करते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। किल्स वगैरह आपको मिलना है तो मिल ही जाएगा। तो जैसे यहां पे आता हूं, यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहा होता हूं, उतने भाई यहां पे ऊपर एक बंदा मेरे आ जाता है और एक बोट भी इधर आ जाता है। बोट का तो किल मेरे को यहाँ पे मिल गया, बट ऊपर एक बंदा होल्ड कर रहा है भाई, जिससे काफ़ी देर तक हमारी चूहे बिल्ली की खेल होती है, छुपम छुपाई। बट लास्ट में ये बंदा इधर से भागने लगता है, फिर मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे थोड़ा लेट जाता हूँ और इधर से बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। एंड फाइनली मुझे बंदा स्पॉट हुआ। तो इसको मारने के बाद यहाँ पे भाई मेरे 3 किल हो गए थे, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे किल तो आपको आराम से मिल ही जाएगा लास्ट तक। फिर यहाँ पे देख लो, लॉबी भी कुछ अच्छी खासी रहती नहीं है, फिर भी जो भी था मैं इसमें थोड़ा अच्छा खासा खेल रहा था। तो ऐसा नहीं है यार, प्लस आपको मिलता है, ठीक है, लॉबी के हिसाब से प्लस मिलता है। जैसी लॉबी रहेगी ना वैसा प्लस मिलेगा। तो आप अपना गेम खेलो और टॉप 10 सर्वाइवल पे ध्यान दो, ठीक है। किल्स के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। और अभी के टाइम पे अगर आप 1-2 किल के साथ ना टॉप 10 निकाल लेते हो तो आपको 20 का प्लस मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैं आ गया भाई, ये वॉश आउट यहाँ पे शेप था, और यहाँ पे सामने मैं देख रहा होता हूँ, उतना भाई पीछे एक बंदे का ऐसा फुटस्टेप आता है कि जैसे इधर पे कोई है अचानक से, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ, फिर बंदे का फुटस्टेप आता है, आगे बढ़ता है बंदा। इसको भी हमने यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मार दिया। अब देख लो यहाँ पे भाई, जहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ ना, एकदम से लास्ट वाला सर्कल भी एकदम से लास्ट तक यहाँ पे बनने वाला है। फिर सामने एक बग्गी, इसको यहाँ पे हमने एक हेड दे दिया। उसके बाद से भाई मेरे को यहाँ पे एंगल बनता नहीं, मुझे लगा आगे वाले वॉच टावर पे चल के होल्ड करेगा, बट ये बंदा रुकता नहीं। फिर कुछ देर बाद नहीं, बंदा हील विल करके वापस से आ जाता है। फिर देखो इससे मेरी फाइट होती है। तो यहाँ बंदा ऊपर हील कर रहा है, इसलिए मैं भाई ये कुक करता हूँ स्मोक, ताकि बंदा अपना हीलिंग रोक दे। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर देता हूँ और इसको भाई यहाँ पे हमने आराम से मार लिया। इसको मारने के बाद यहाँ पे मेरे 5 किल हो गए थे। अब अभी बचे थे यहाँ पे केवल 4 बंदे। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पावर मिल गया था, तो मैं सोचा इसके छत पे चला जाऊंगा
और यहाँ पे सामने एक बग्गी रहती है जिसको यहाँ पे स्प्रे तो करता हूँ बट उससे कुछ हुआ नहीं। और आगे वाले वॉच टावर पे चल के होल्ड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ पावर का यूज करके। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा इधर वॉच टावर पे और एक सामने ये पत्थर पे जो है दिख गया था, ठीक है। तो दो बंदे इधर ही हैं। अब भाई तीसरे बंदे का मेरे को लोकेशन पता नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो बंदा बग्गी लेके इधर पे आ भी जाता है। फिर मैं ना यहाँ पे पत्थर वाले को सोचता हूँ भाई ये बंदा निकल के बग्गी वाले को मारेगा, फिर इसको इजी मार दूंगा। बट पत्थर वाला यहाँ पे निकलता नहीं। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ। भाई यहाँ पे दोनों बंदों के ऊपर मैं स्प्रे करता हूँ बट भाई किल मुझे एक भी नहीं मिलता। क्या ही हो गया भाई, गलत ही सीन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं सोचा भी नहीं था कि यार ये चिकन मेरे को नहीं मिलेगा। एकदम से मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई ये चिकन मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। बट कोई बात नहीं, बात करते हैं मैं सेकंड गेम प्ले के बारे में। इसमें देखो यहाँ पे जंप करता हूँ और सामने ढेर सारे बंदे और मेरे को यहाँ पे गन भी मिल गया। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने है, ठीक है, और भाई मेरे नीचे भी बंदे, आसपास ढेर सारे बंदे। अब मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं कहीं पे खड़े होकर मारने लगूंगा ना तो ये सामने बंदा मेरे को मार ही देगा। तो सबसे पहले भाई इसको मारते हैं इधर पे। अब देखो सामने एक बंदा का फुटस्टेप आता है, मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि भाई अपना जो ग्रेनेड है उसको कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो मैं इस सामने वाले बंदे को बहुत ही इजी मार लेता। फिर भाई यहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक जो है मौली आती है और मेरे को गंदोला डैमेज भी कर दिया। अब देख लो यहाँ पे दूसरी गलती, यहाँ पे जो है मैं अपना अगर बाइजन रिलोड करके रखा होता ना तो इसको मार ही देता यार आराम से। फिर यहाँ पे मेरे को बहुत ही गलत लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा लगता है और मैं यहाँ पे सोचता हूँ रिवेंज लूंगा और दोबारा से उतरूंगा और उस ओमकार नाम के बंदे को ही मारूंगा। फिर इधर आने के बाद मैं शांति से फूड्स लेने का ट्राई करता हूँ बट यहाँ पे कोई बंदा रहता नहीं। उतने में यहाँ पे मेरे को एक बोट का फायर आता है। और भाई यहाँ पे देख लो मेरा जो है वो क्या कहते हैं उसको डाउनलोड नहीं है कपड़ा वगैरह, जिसको वजह से भाई बंदे मेरे को नंगे पुंगे दिखते हैं और ठीक से स्पॉट नहीं होते। तो भाई आईफोन में स्टोरेज कम है। फिर यहाँ पे ये बंदा ऑफलाइन था, इसको मार दिया। होता है भाई एक और बंदे का फुटस्टेप आता है इधर पे। उतरे भाई एक बंदा और ऊपर से उड़ के आ जाता है। देखो भाई इन दोनों बंदे को क्या ही गंदे तरीके से मारने वाले हैं। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे को भाई मैं ग्रेनेड से मारने का सोचता हूँ, ग्रेनेड कुक करता हूँ। फिर देखो कैसे एक तीर से दो निशाना। अब भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेनेड से दोनों ही बंदे मर जाएंगे बट हो ना हो दूसरा वाला बंदा थोड़ा बहुत डैमेज हो गया होगा। बट यहाँ पे दोनों बंदों को भाई इजी तरीके से मार लिया। अब मेरे यहाँ पे 5 किल हो गए थे तो मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया था बट भाई ओमकार वाला बंदा जो है यहाँ से कहीं चला गया था। फिर सामने यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसको मैं एक ग्रेनेड कुक करने के सोचता हूँ। फिर वो भी ग्रेनेड कुक कर रहा था, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। फिर मैं दोबारा उसके ऊपर ग्रेनेड डालता हूँ। फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ भाई मेरे अच्छा खासा किल हो गए हैं कि मैं क्यों अपना फालतू का गेम यहाँ पे खराब करूँ। मैं इधर से फॉल बैक करता हूँ, पीछे भागता हूँ। और भाई उतने में ना यहाँ एक बंदा जो है यूएच से भागता है, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है। फिर मुझे पता था अब जो ये बंदा मेरे पे पुश कर रहा था उसको ऐसा ही लगेगा कि यूएच लेके मैं गया हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शांति से अब होल्ड कर सकता हूँ। तो देख लो यहाँ पे मैं भीगी बिल्ली बन के लेटा रहता हूँ शांति से, क्योंकि यहाँ पे अभी रिमेनिंग में 3 दिख रहे थे तो यहाँ पे मुझे मरना नहीं था, ठीक है, टॉप 10 तक सर्वाइव करना था। और फिर भाई यहाँ पे एक यूएज रहती है, मैं यूएज लेके आ जाता हूँ। अब जोन इधर ही पे बना था तो सामने एक शेख है, मैं चल के इधर पे होल्ड कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला शेक है ये ना सबसे अच्छा पोजीशन है इस एरिया में, ठीक है। सामने बंदों को भी किल कर सकते हो और यहाँ पे आराम से सर्वाइव भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा था और भाई इस बंदे को अगर रश करके मार ही देते फाइट हो जाती तो अच्छा रहता। फिर देखो यहाँ पे मेरे से क्या होता है, अब देख लो खुद ही।
मैं यहाँ पे अंदर आके होल्ड करता हूँ और भाई फिर बाद में जो जोन है मेरे से हल्की सी दूरी पे चला जाता है, मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ से अब निकलूँ आगे चलूँ। जैसे ही भाई मैं यहाँ से जाने के बारे में सोचता हूँ और भाई टाइमिंग सच में बहुत ही गलत रहती है, यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है। और भाई इस वाले बंदे ने मुझे बहुत ही ईजी मार दिया यार, यहाँ पे गलत ही सीन हो गया। देख लो भाई क्या ही टाइमिंग रहती है, बुरा लगा बट कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई 1000 हो गए हैं, थोड़े से और सपोर्ट करो यार, ये घट वट जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। आज 15 घटा है तो कल 20 भी घट सकता है यार, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।